तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 19.2 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके और बना लिए। आज आपका लेक्चर स्टार्ट होगा 3 बुक आपका आरडी शर्मा से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है। 27 में कुछ थ्योरम बताया गया था फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेट कीजिए और कॉट एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का भी इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है। एक कॉट एक्स है और नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स है। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस अंदर लिख दिए माइनस बाहर, ये हो गया। अब इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कुरन है, एक ऐड कर दीजिए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, इसलिए किया गया नीचे के जैसा ऊपर बनाना, एक ऐड किए तो एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डी एक्स। अब यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बटा 1 माइनस में कॉस एक्स डी एक्स, ये डिवाइड कर दिए। अब यहां से देखिए तो कट गया और बच गया माइनस में कुछ नहीं तो 1 और माइनस 1 बटा 1 माइनस कॉस एक्स, इसका रेशनलाइज कर दीजिए 1 माइनस को 1 माइनस में कॉस एक्स, रेशनलाइज क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस में कॉस एक्स यहाँ डी एक्स। तो ये आ गया माइनस 1 माइनस इतना गुना समथिंग 1 प्लस में कॉस एक्स अब बटा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे बैठ चुका तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, a माइनस 1 माइनस। तो ए क्या हो जाएगा ना यहाँ पे माइनस और a प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस प्लस में कॉस एक्स बटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ए माइनस को अंदर भेज दीजिए तो माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में और यहाँ पे 1 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड कर रहे हैं अब प्लस में और यहाँ पे कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये साइन स्क्वायर इसमें और इसमें डिवाइड कर दी, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ माइनस 1 और साइन स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है ना कॉसेक, उल्टा कॉसेक स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल 1 बाय साइन तो कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 1 कॉस 1 साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, 1 साइन बच गया और उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स ए डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लिए, माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कट के लेक्चर में हम लोग समझे थे। अब प्लस यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में सी, एक क्वेश्चन नंबर हो गया 27। अब कर रहा 27 एक क्वेश्चन बताना के लिए, तो ये ध्यान देंगे एक क्वेश्चन बड़ा आसान है इसका भी इंटीग्रेट करने के लिए। एक कंप्लीट हो गया, इसको रफ करते हैं। अब इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए कॉट को चेंज कर दीजिए कॉस एक्स बटा साइन एक्स में, इस कॉसेक को भी चेंज कर दीजिए साइन में, कॉट को चेंज कर दीजिए साइन एक्स बटा में कॉस एक्स डी एक्स, ये चेंज कर दीजिए और यहाँ आ गया ऊपर में क्या ना कॉस एक्स बटा में साइन एक्स और एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट का फॉर्मूला कॉस एक्स बटा साइन एक्स एलसीएम साइन एक्स, तो 1 माइनस में कॉस एक्स डी एक्स साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे कॉस एक्स बटा में 1 माइनस में कॉस एक्स डी एक्स। तो एक क्वेश्चन वापस लौट आया क्या 27 से, खुद से बना लेंगे यहाँ पे, यहाँ से बताया गया था क्वेश्चन नंबर हो गया 27 का 27। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कहा जा रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा कॉस 2a, ये सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a होता, और एक फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a बराबर होता 1 प्लस में कॉस 2a।
वन प्लस कॉस टू ए, टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए। तो यहाँ से ए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स अंडर रूट वन प्लस कॉस फोर एक्स है, यहाँ पे वन प्लस कॉस टू एक्स तो कॉस ए, फोर एक्स तो टू ए, तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, फोर है तो हाफ हो जाएगा टू एक्स डी एक्स कॉस टू एक्स रूट टू, रूट दोनों पे जाएगा, टू पे भी और इस पे, स्क्वायर का रूट कैंसिल, लिख सकते हैं कॉस टू एक्स डी एक्स, कॉस टू एक्स कैंसिल, आ गया वन बाय रूट टू डी एक्स। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस में सी, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन देखेंगे 29 करा 1 बटा 1 माइनस में कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट बहुत ही सिंपल है, 1 बटा 1 माइनस का इसका रेशनलाइज कह लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का रेशनलाइज क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस में कॉस एक्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 गुना समथिंग, तो 1 प्लस में कॉस एक्स और a प्लस बी, ए माइनस बी समझ के क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डी एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका। अब डिवाइड कर दीजिए 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉस 1 साइन कॉट एक्स, 1 साइन और डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या बदल जाएगा, कॉस एक एक्स में चेंज हो जाएगा डी एक्स। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस में कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक एक्स, कल का थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं प्लस में सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 है, 13 क्या है ना, 30 कह रहा है यहाँ पे 1 बटा 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेट, इसका भी इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर देंगे, रेशनलाइज, जैसे 29 है वैसे आपका 30 क्वेश्चन है, तो खुद से इसको कह लेंगे कैसे, रेशनलाइज कर कर इंटीग्रेट कह लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 30। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है टैन एक्स अब बटा में बाई सेक एक्स प्लस में टैन एक्स का इंटीग्रेट कीजिए, टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स का इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए टैन को चेंज कर दीजिए साइन अपॉन कॉस में और सेक को चेंज कर दीजिए वन अपॉन कॉस प्लस में टैन को चेंज कर देंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये दोनों का एलसीएम कॉस एक्स, एलसीएम क्या कॉस एक्स, तो ये वन प्लस में साइन एक्स डी एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, तो आ गया यहां पे साइन एक्स बाई वन प्लस में साइन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए नीचे जैसा फंक्शन ऊपर बनाना पड़ेगा, जैसा नॉमिनेटर है वैसा डिनोमिनेटर करना होगा, तो नॉमिनेटर में क्या वन प्लस साइन है, नॉमिनेटर में साइन है, तो एक वन ऐड कर लेंगे और वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा बैलेंस हो गया। अब इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए, इस टर्म को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे वन बटा वन प्लस में साइन एक्स और वन प्लस में साइन एक्स, एक डिवाइड हो गया माइनस माइनस वन बटा वन प्लस में साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स एक कैंसिल, वन माइनस वन बटा यहाँ पे आ गया वन प्लस में साइन एक्स, इसका रेशनलाइज करना होगा वन माइनस साइन एक्स बटा में वन प्लस में साइन एक्स सॉरी माइनस डी एक्स, यहाँ लिख लेंगे वन माइनस वन गुना समथिंग, तो वन माइनस में साइन एक्स बटा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा इतना और डी एक्स, वन माइनस माइनस अंदर भेजेंगे वन
माइनस वन माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स बटा में ये आ गया यहाँ पे, इसको वही माइनस रहने दीजिए और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स राइट। अब यहाँ पे वन माइनस माइनस वन और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ये आ गया। अब यहाँ से वन माइनस वन बटा साइन क्या लिख सकते सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे वन साइन वन कॉस क्या टेन एक्स और वन कॉस ऊपर आएगा तो सेक एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कीजिए वन का एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में सी तो इसका इंटीग्रेट ए और इसका इंटीग्रेट ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 32 का रहा कॉसेक एक्स बाई कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स डी एक्स इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है कॉसेक बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है तो इस टर्म को यहाँ पे क्या कह लेंगे कॉसेक को चेंज कर दीजिए साइन एक्स वन बटा साइन एक्स माइनस वन कॉट को कर सकते कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पे आ गया वन बटा साइन एक्स एलसीएम दोनों का एलसीएम क्या साइन एक्स ठीक वन माइनस में कॉस एक्स डी एक्स साइन साइन कैंसिल क्या आ गया वन बाई वन माइनस में कॉस एक्स डी एक्स ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए रेशनलाइज कर लेंगे एक खुद से क्वेश्चन बना लेंगे एक क्वेश्चन नंबर लौट आया क्वेश्चन नंबर 29 एक क्वेश्चन नंबर 29 से मैच कर गया ये 29 बताया गया था और खुद से बना लेंगे यहाँ से क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है 33 क्वेश्चन कर रहा है वन बटा वन प्लस में कॉस टू एक्स का इंटीग्रेट कीजिए तो वन बटा वन प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे याद रहना होगा टू कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू ए तो यहां से वन बटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए ए के जगह पर एक्स डी एक्स टू कॉन्स्टेंट है अलग कर दीजिए कॉस कॉस ऊपर आएगा क्या बदल जाएगा सेक में हाँ सेक सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स अब प्लस में सी ए हो गया 39 क्या किया गया वन प्लस कॉस टू एक्स का यहां से फॉर्मूला यूज कर लिए और टू को बाहर निकाल दे इंटीग्रेशन का सिंबल से और कॉसेक कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स एक क्वेश्चन नंबर हो गया 33। तो क्वेश्चन नंबर 34 करा वन माइनस कॉस टू एक्स सेम क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस टू ए तो यहां यूज कह लेंगे इसका इंटीग्रेट करने के लिए वन बटा वन माइनस कॉस टू एक्स तो क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे वन बाई टू और वन बटा साइन क्या बच गया वन बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स वन बाई टू साइन ऊपर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स वन बाई टू कॉसेक का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब करा क्वेश्चन नंबर 35 करा टेन इनवर्स साइन टू एक्स अब बटा में वन प्लस में कॉस टू एक्स का इंटीग्रेट कीजिए सिंपल है यहाँ पे यदि प्लस हो जाता है तो क्या में चेंज हो जाएगा कॉस में और साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए इंटू कॉस ए साइन टू ए का क्या टू साइन ए इंटू कॉस ए टेन इनवर्स साइन टू ए प्लस बटा वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेट तो ए
टैन इनवर्स साइन टू एक्स, यहां से चल देंगे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स, क्या लिख सकते टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू टू वन कॉस वन कॉस, लिख सकते हैं टैन इनवर्स वन साइन वन कॉस टैन एक्स डी एक्स, टैन इनवर्स टैन कैंसिल एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी, टैन इनवर्स टैन क्या होता है एक्स हो जाता है एक्स, टैन इनवर्स टैन कैंसिल बच गया एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 36 का है कॉस इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल है, एक कॉस में कॉस इनवर्स है और यहाँ पे साइन है, तो इस तरह का फंक्शन का ये चैन रूल है, इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे एक कॉस इनवर्स को रहने दीजिए, इस साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, तो हम लोग सभी जानते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो साइन थीटा इक्वल टू तो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, माइनस में थीटा के जगह पर एक्स है और ए हो जाएगा डी एक्स, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल क्या आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए पाई बाय टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में सी, ये क्वेश्चन हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कॉट इनवर्स साइन टू एक्स बटा में वन माइनस में कॉस टू एक्स डी एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना, तो कॉट साइन टू एक्स, साइन टू एक्स बटा वन माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेट, तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े साइन टू ए का, टू साइन ए इंटू कॉस ए, वन माइनस कॉस टू ए क्या होता है टू साइन स्क्वायर ए, यूज कह लेंगे यहाँ पे कॉट इनवर्स यहाँ पे साइन टू ए मतलब टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू टू एक साइन कैंसिल, यहाँ पे मिल गया कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन क्या कॉट एक्स डी एक्स, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल एक्स, अब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में सी, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 करा साइन इनवर्स टू टैन एक्स बटा वन प्लस में टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना, तो साइन इनवर्स टू ए टैन एक्स बटा वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स का, एक टैन है ना, एक टैन है, एक टैन स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक यहां पे हम लोग फॉर्मूला समझना पड़ेगा साइन टू ए, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टैन ए बटा में वन प्लस में टैन स्क्वायर ए, ये हम लोग को सभी को मालूम है साइन टू ए टू टैन ए बटा वन प्लस टैन स्क्वायर, तो साइन इनवर्स टू टैन ए बटा वन प्लस टैन स्क्वायर ये मैच कर गया, तो क्या हो जाएगा साइन टू एक्स, एक्स हो जाएगा और डी एक्स, साइन इनवर्स साइन कैंसिल टू एक्स डी एक्स, टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू और प्लस में सी, टू टू कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इसका इंटीग्रेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में सी, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे इसका इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कन्फर्म होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो आइए
तो ए क्या है ना यहाँ पर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू प्लस में 8 को लिख सकते 2q और एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 रहने दीजिए और dx ए क्यू प्लस बी क्यू इस समझ ले और इसको तोड़ ले क्या हो जाएगा एक्स प्लस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बी मतलब एक्स और यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर और एक्स माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस में 4 डी एक्स। तो यहाँ पे ए वाला टर्म दिख रहा है सेम है एक्स स्क्वायर 2x और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो ए टर्म और ए टर्म कट गया क्या बच गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 ये दो फैक्टर आ गया तो इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स माइनस 2 डी एक्स आ जाएगा ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में सी ये क्वेश्चन नंबर हो गया 39। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा ध्यान देंगे 40 बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ए टैन एक्स और प्लस में बी बी कॉट एक्स ओके होल स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट किया सिंपल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 ए टैन एक्स इंटू बी कॉट एक्स डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा ए टैन स्क्वायर एक्स प्लस में टैन स्क्वायर टैन को चेंज कर दीजिए और कॉसेक में तो सेक में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस बी कॉट को चेंज कर दीजिए कॉसेक में तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस में 2 ए और बी और टैन थीटा कॉट थीटा क्या होता है इंटू 1 होता है और ए रह गया डी एक्स यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस बी और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस प्लस में 2 ए बी डी एक्स। अब सभी का इंटीग्रेट कर दीजिए यहां पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या टैन एक्स और कांस्टेंट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स बी स्क्वायर कांस्टेंट है और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स बी स्क्वायर कांस्टेंट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस में 2 ए बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस में सी ए हो गया आंसर किसका ए कॉट एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले क्या कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तोड़ के ए आ गया और फिर इसका इंटीग्रेट कर दिए ए क्वेश्चन नंबर हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 31 इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए बहुत ही सिंपल है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में है तो इस डिनोमिनेटर को सभी टर्म में डिवाइड कर दीजिए एक्स क्यू बाई 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस में 5x बाई 2x स्क्वायर माइनस में 7 बाई 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर ए के पावर x बटा में 2x स्क्वायर dx ये हो गया। अब यहाँ पे इसको कट रहा तो कट कर देंगे ए पावर 2x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर 1x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a कैंसिल हो गया क्या बच गया x और यहाँ पे बटा में 2 तो बटा में 2 और माइनस में 3 बाई 2 प्लस में 5 बाई 2 इंटू एक्स और माइनस में 7 बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए टू डी पावर एक्स बाई 2 डी एक्स।
अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है क्या, इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, इसको एस लिख सकते हैं, और 3/2 प्लस में क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/x एस लिख सकते हैं, और माइनस में 7/2 इस टर्म को भी लिख सकते हैं 1/x², और प्लस में इस टर्म को भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 के पावर x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, हाफ को रहने दीजिए, x का इंटीग्रेशन x² / 2, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, प्लस 5/2, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स, और माइनस 7/2, 7/2 कॉन्स्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन माइनस में 1/x, प्लस में 1/a^2 का इंटीग्रेशन होता है a^2 बाय में लॉग a, प्लस में ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर के जैसा नोमिनेटर बना लेंगे, 1 + cos x और माइनस में एक ऐड कर लिए और एक सब्ट्रैक कर दिए खुद से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर के जैसा नोमिनेटर बनाना था। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1 + cos x / 1 + cos x माइनस 1 + cos x dx, एक कैंसिल, 1 - 1/1 + cos x, इसका हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, 1 - cos x 1 - cos x रेशनलाइज कर इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हो जाएगा आंसर 42। तो इसी प्रकार से अब 43 देखेंगे, 43 क्या गिवन है, 1 - cos x / 1 + cos x, इसका रेशनलाइज कर लेंगे, और रेशनलाइज करने के बाद जो टर्म आएगा उसको क्या कह लीजिए, इंटीग्रेट कह लीजिए, ये आंसर हो जाएगा 43। क्या कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला, 1 - cos a होता है 2 sin² a/2, हाफ हो जाता है, और 1 + जब cos 2a रहता है तो कॉस ए रहता है, तो क्या होता है ना 2 cos² a/2, यहाँ पे एंगल 1/2 ए है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ए भी जानते हैं, tan² a का फॉर्मूला क्या होता है ना, sec² a माइनस में 1, ये भी हम लोग जानते हैं आई। तो 1 - cos x इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, क्या लिख सकते 2 sin² x / 2, और 1 + 1 तो 2 cos² x / 2 dx, 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या लिख सकते हैं, tan² x / 2 dx, tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो tan² का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan को चेंज कर देंगे किसमें, sec में, तो sec² x / 2 - 1 dx, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x बाय टू, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 1/2 तो डिवाइड, और 1 का x प्लस में c, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 tan x / 2 अब माइनस में x प्लस में c, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 43। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, बहुत ही सिंपल, इसमें लंबा टर्म है, ढेर सारा टर्म है, हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल है बनाना। ए दिया हुआ 3 sin x और प्लस माइनस में 4 cos x और प्लस में 5, कॉस को चेंज कर दीजिए सेक में, sec² x माइनस 6, ए साइन को चेंज कर दीजिए cos 1 में, cos 1 square x, टैन का इंटीग्रेट नहीं होता, टैन को चेंज कर देंगे सेक में, तो sec² x माइनस 1 माइनस cos 1, cot को चेंज कर देंगे cos 1 में, तो cos² x - 1 dx, ये चेंज कर दे सबको क्या में, cos 1 में। अब ध्यान दे यहाँ पे हो जाएगा 3 sin x माइनस में 4 cos x प्लस में 5 और यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा 6 sec² x माइनस 6 और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 7 cos² x, अब वहाँ पे और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस माइनस 1 अरे माइनस माइनस प्लस 1 dx, ये कट गया, और जो बचा उसका इंटीग्रेट कर दीजिए 3, cot cos sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में cos x,
कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं साइन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस में कॉट एक्स, और ए आ गया प्लस में सी, ए हो गया आंसर। तो इस फंक्शन का क्या किए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए और इसको इस तरह से लिख दिए, और फिर क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, सबका अलग अलग इंटीग्रेट, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग और इस टर्म का अलग, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 45 क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48 और 49 सारे एक जैसा क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझेंगे क्या करा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, एफ वन बाई वन बाई टू है तो फाइंड एफ एक्स, सिंपल है। एफ डैश एक्स मतलब होता है डी एफ एक्स बटा में डी एक्स, एफ डैश एक्स को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर एक्स और वन बटा में एक्स स्क्वायर, एफ एक्स रहने दीजिए, और डी इधर आकर क्या में इंटीग्रेशन का सिंबल में बन जाएगा, अगले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे ये बताया हुआ इस तरह का, और डी एक्स इधर आकर क्या में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो एफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वन बाई एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में वन बाई एक्स प्लस में सी, तो ए एफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस में वन बाई एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे बोला गया एक्स बराबर वन, एफ एफ वन पुट कर दे तो वन स्क्वायर टू और प्लस में वन प्लस में सी, तो क्या आ गया एफ वन, एफ वन का वैल्यू कहा जा रहा हाफ हाफ, और यहाँ पर हाफ और प्लस में वन प्लस में सी, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और प्लस वन इधर आएगा माइनस वन सी, सी का वैल्यू आ गया माइनस वन, सी का वैल्यू आ गया माइनस वन। अब हम लोग यहाँ पे इसको इस टर्म को समीकरण फर्स्ट टर्म समझ लीजिए, तो ए हो जाएगा एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में वन बाई एक्स सी, सी इजकल टू क्या फाइंड हो गया माइनस वन, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 45। इसी प्रकार से 47, 46, 47 और 48 बनाएंगे, और अब देखते हैं 49 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 49 कर रहा है, इसका क्या ना एंटी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो एंटी डेरिवेटिव तो एफ एक्स है इसका, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या, इस फंक्शन का एंटी डेरी मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट, तो एफ एक्स का यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3x^3/2, 1/√x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2√x प्लस में सी, ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 49। तो इस तरीके से, और इसको ऐसे भी लिख सकते 2/3x^3/2 प्लस में 2, और रूट ना लिख के हाफ भी लिख सकते, आप दोनों तरीके से दे सकते, ए क्वेश्चन नंबर हो गया 49। अब हम लोग देखेंगे ये एक्सरसाइज 19 आपका 2 समाप्त हुआ, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में 19.3। तो 19.3 में हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास इतना ही था स्टूडेंट, शुक्रिया, थैंक यू।